हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीवीटी 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं इस टीवी को एक हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें, ताकि आगे भी मैं जरूरी जानकारी दे सकूं। चलो बात कर लेते हैं इस टीवी के बारे में। दोस्तों, इसकी जो कमियां थी मुझे पहले दिन में ही पता लग गई थी क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलो साउंड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें 24 वॉट्स के जो है इन्होंने मेंशन किए हुए हैं स्पीकर्स, लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी भी तेज करते हैं तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब आती है, आवाज़ फटने लगती है। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है, जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं तो कभी कभी यूट्यूब जो है अटक अटक के थोड़ा चलने लगता है। नेट की आपकी स्पीड ठीक होने के बावजूद भी इसमें प्रॉब्लम आती है, अच्छा बोलो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका ब्रांड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो आगे, चलो टीवी के मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक बार यूट्यूब चला के इसमें, पहले तो आपको मैं एक बार साउंड क्वालिटी इसकी दिखा देता हूँ, और साथ ही यूट्यूब भी इसके साथ ही चलेगा, ठीक है? अब देखते हैं इस बार ठीक चल पाता है या नहीं। कभी कभी तो अटकता है और कभी कभी ठीक चलता है। ओके, चलो मैं एक बार खोलता हूँ यूट्यूब। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं साउंड क्वालिटी में, थोड़ा पास से आपको सुनवाता हूँ। दिस इज माय दुबई। जैसा कि इस बार YouTube तो चलो ठीक चला, लेकिन आवाज़ जो थी उसकी, वो तो खैर है ही प्रॉब्लम हमेशा की। या तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, शायद 512 रैम जो इन्होंने दी है उसकी वजह से YouTube इतना स्लो है। तो या फिर हो सकता है इनके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है ये सब। दोस्तों, आपको मैं सीवीटी कंपनी के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ये क्या और किसकी कंपनी है। वेस्टर्न का, ये वेस्टर्न वालों की ही, मतलब इन्होंने ही निकाला है सीवीटी, और खुद का इनों का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है सीवीटी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया, इन्होंने, अच्छा, इन्होंने वेस्टर्न खुद अपनी नाम से अगर ये बेच रहे हैं टीवी, उसमें तो ठीक है, लेकिन इन्होंने सीवीटी में इतना, मतलब क्वालिटी इन्होंने डल क्यों कर दी। और दोस्तों, एक चीज़ तो आपको मैं बताना भूल ही गया, इसका जो बैक साइड का पैनल है उसमें हम हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा, मतलब महसूस होता है, करंट महसूस होता है, उसमें वाइब्रेशन आती है करंट की। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। दोस्तों, देखा जाए अगर प्राइस रेंज में, मतलब ये सस्ता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि प्लस पॉइंट तो इसका कुछ बचता नहीं है फिर। दोस्तों, मैं आपको इसकी बटन सी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बटन सिल रहे हैं पूरे। ये आपने, ये देखिए,
थोड़ा सा भी कोई बच्चा ऐसे अगर ऐसे खींचे तो ये बटन निकल के टूट ही जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसे बिल्कुल ही, ये देखिए। और अंदर ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, ये बटन इस पॉइंट्स को प्रेस करता है। क्वालिटी इसकी काफ़ी लो दी गई है, काफ़ी हल्की क्वालिटी के हैं ये। दोस्तों अगर आप इस टीवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई पैसे की वैल्यू देता है आपको। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।